आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन एक पतंग उड़ाने के लिए आपको एक लाइसेंस की जरूरत है, और बिना लाइसेंस के अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं, चाहे वो मकर संक्रांति का ही दिन क्यों ना हो, आपको जेल हो सकती है। भारत में कुछ ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं, और वो इतने वियर्ड, इतने एब्सर्ड और स्टूपिड हैं कि उन्हें एक जमाने पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। इनफैक्ट 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपने सभी यूनियन मिनिस्टर्स को ऑर्डर दिया कि वो अपने हर एक डिपार्टमेंट से एटलीस्ट 10 आउटडेटेड लॉस को निकालें, ताकि गवर्नमेंट उन्हें स्टेप बाय स्टेप स्क्रैप करे। एयरक्राफ्ट एक्ट 1834 के हिसाब से अगर आप एक पतंग उड़ा रहे हैं तो उसके लिए आपको फ्लाइंग परमिट की जरूरत है। एक्चुअली इस लॉ के हिसाब से एयरक्राफ्ट का मतलब है एनी मशीन दैट कैन डिराइव सपोर्ट इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द एयर दैट इंक्लूड्स बैलून्स एयरशिप्स काइट्स ग्लाइडर्स एंड फ्लाइंग मशीन। तो अगर आप पतंग या गुब्बारे भी उड़ा रहे हैं तो आपको सरकार से एक फ्लाइंग परमिट की जरूरत है, वरना आप एक कानूनन अपराध कर रहे हैं। तो अगली बार गुब्बारे और पतंग उड़ाने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से जाकर आप फ्लाइंग परमिट जरूर ले लेना, वरना आपको जेल हो सकती है। दरअसल 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करने के टाइम पे लोगों ने काले रंग की पतंगों को हवा में उड़ाया था, और इन पतंगों में साइमन गो बैक लिखा हुआ था। तो अंग्रेजी सरकार ने भले ही लोगों को प्रोटेस्ट की परमिशन ना दी हो, लेकिन हमारे क्रांतिकारी भाई इतने इनोवेटिव थे कि उन्होंने प्रोटेस्ट करने के भी नए नए तरीके अपना लिए। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स ने एक रिएक्शन के रूप में गुब्बारे और पतंग उड़ाने के लिए भी एक परमिट लगा दी थी। अनफॉर्चुनेटली ये लॉ आज भी एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट एक्ट है सराय एक्ट ऑफ 1867। सराय का मतलब है होटल्स या मोटेल्स, जहां पे लोग जाकर रुकते हैं। इस लॉ को होटल्स की कंडीशंस को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के सेक्शन 72 के हिसाब से हर होटल वाले को ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों के लिए भी ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराना मैंडेटरी है। तो अगर किसी होटल में कोई गाय या कुत्ता घुस जाए और जाकर पानी पीने लगे, तो वो होटल मैनेजर उस गाय को या कुत्ते को होटल से भगा नहीं सकता है। इसके अलावा होटल में वॉशरूम के यूज को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कभी भी होता है तो आप सराय एक्ट का हवाला देते हुए उस होटल मैनेजर को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे सकते हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में जहां पे लोग अपने अधिकारों को लेकर अवेयर होते हैं, वहां पे 5-7 स्टार होटल्स ने अलग वॉशरूम बना रखे हैं जो कि कॉमन पब्लिक के लिए खुले होते हैं, ताकि वो अपने कोर रूम्स को और जो अपने टारगेट ऑडियंस है उनके लिए सेपरेट साफ सुथरे वॉशरूम्स को मेंटेन कर सके। अब एक बिजनेस ओनर की नजर से देखा जाए तो एक होटल उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये सरकार का काम है कि वो ड्रिंकिंग वाटर और पब्लिक टॉयलेट्स को अवेलेबल कराए। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप इस तरीके का कंपल्शन लगा दो ताकि वहां पे कॉमन पब्लिक जाके गंद मचाने लगे, ये कहां का जस्टिफिकेशन है। तीसरे लॉ पे आते हैं इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878। आपको सड़क पे पड़ा हुआ 1 रुपए के सिक्का से लेके 500 रुपए तक का नोट अगर आप अपनी जेब में रख लेते हैं तो आपको 1 साल तक की जेल हो सकती है। इनफैक्ट किसी भी डिनोमिनेशन की इंडियन करेंसी अगर आपको सड़क पे दिखाई देती है तो आपको उस जगह के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाना होगा और डेट टाइम प्लेस स्पेसिफिकली बतानी होगी। उसके बाद वो कलेक्टर उस रुपए या पैसे को सरकारी खजाने में जमा करेगा। एक्चुअली अंग्रेजों ने ये लॉ इसलिए बनाया था क्योंकि पहले के जमाने में लोग खजाने को जमीन के नीचे दबा दिया करते थे। ऐसे में कभी कोई खजाना अगर बाहर निकलता था या अंग्रेजों ने किसी किंग पे अटैक किया, उसे हरा दिया, लेकिन अब उसके खजाने का एक्सेस उन्हें नहीं मिल रहा है, तो ये खजाना कहीं लोकल पब्लिक को ना मिल जाए और ब्रिटिशर सिस्टमैटिकली इंडियन किंग्स को और उनके किंगडम्स को लूट सके, इस इंटेंशन से इस लॉ को बनाया गया था, जो कि आज की तारीख में एकदम इररिलेवेंट है। अब अगला लॉ आता है इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 294। आपने एक पार्क के कोनों में लव बर्ड्स को रोमांस करते देखा होगा। एक्चुअली ऑब्सिनिटी क्या होती है ये कहीं पे डिफाइंड नहीं है। एक सिंपल से हैंडशेक से लेकर क्लोज आना या हग करना कोई भी चीज ऑब्सिनिटी के केस में आ जाती है, और इसका फायदा पुलिस उठाती है। कॉलेज जाने वाले या टीनेजर्स को पकड़ लेती है, उनसे 500,000 रुपया जैसा भी मन चाहा ऐंठ लेती है रिश्वत के रूप में, वरना उनपे सेक्शन 294 लगाने की धमकी देती है। और बेचारा जो स्टूडेंट होता है वो भी डरा हुआ होता है कि कहीं बात हर तक ना पहुंच जाए या पुलिस केस होने से आगे उसके करियर पे ना असर पड़े। तो ये एक स्टूपिड सेक्शन पुलिस वालों के लिए रिश्वत ऐंठने का एक अच्छा तरीका हो गया है, जबकि इसमें ये डिफाइंड नहीं है कि ऑब्सिनिटी एग्जैक्टली होती क्या है। और अगला लॉ आता है हमारे शराब पीने वाले भाइयों और बहनों के लिए। जहां कुछ स्टेट्स में शराब पीने की लीगल एज 18 साल है, वहीं पे कुछ स्टेट्स में ये एज बढ़ा के 25 ईयर्स तक कर दी गई है। अब आप शादी तो 18
18 साल या 21 साल में कर सकते हैं, लेकिन ड्रिंक करने के लिए आपको 4 साल और वेट करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली गोवा में एक 18 साल का लड़का शराब पी सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में जाते ही अगर उसने ड्रिंक किया तो उसके लिए उसे जेल हो सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में ड्रिंक करने की मिनिमम एज 25 ईयर्स है। अगला लॉ सेक्शन 497 है इंडियन पीनल कोड का। इस लॉ के हिसाब से अगर एक आदमी एडल्ट्री कर रहा है तो उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है, लेकिन अगर एक औरत एडल्ट्री कर रही है तो उसे क्राइम ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारे देश के लॉ मेकर्स के हिसाब से जो स्त्री होती है वो सती सावित्री की तरह पावन और पवित्र होती है और उसे देवी का स्थान मिलता है, इसलिए देवी कभी कोई गलत काम कर नहीं सकती है। अब इस लॉ को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप किया था, लेकिन स्क्रैप करने की जो कंडीशन थी वो बड़ी स्ट्रेंज थी। एक्चुअली इस लॉ के हिसाब से एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को परमिशन दे देता है जाके किसी दूसरे आदमी के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए, तब वो एडल्ट्री की कैटेगरी में नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक औरत किसी आदमी की प्रॉपर्टी नहीं होती है जो वो उसे जाके कोई परमिशन दे एडल्ट्री करने के लिए या ना करने के लिए। तो एक्चुअली इस स्ट्रेंज से ग्राउंड की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को थैंकफुली स्क्रैप किया। अगला लॉ थोड़ा सीरियस इन नेचर है, सेक्शन 377 सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को इलीगल कहता था। 2018 में इस लॉ को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स रिलेशनशिप्स के लिए इलीगल करार दिया। लेकिन सेम सेक्स रिलेशनशिप्स भले ही इंडिया में आज इलीगल ना हो, लेकिन आज भी सेम सेक्स मैरिजेस से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं है। हिंदूज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, मुस्लिम पर्सनल लॉज 1937, इनफैक्ट इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, लेकिन सेम सेक्स मैरिजेस के लिए इंडिया में कोई भी कानून फिलहाल नहीं है। मैरिज से फायदा होता है कि अगर कोई एक पार्टनर मर जाता है तो उसकी विल और उसकी प्रॉपर्टी में नॉमिनी के रूप में उसके पार्टनर को जगह मिल जाती है। इसके अलावा इंश्योरेंस से लेके मैरिज सर्टिफिकेट और जॉब में जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो एक पार्टनर को मिल जाते हैं। लेकिन जहां पे मैरिज को लीगल वैलिडिटी नहीं मिली है, ऐसे में कोई रिलेशनशिप कितना भी बना रहे लेकिन इस तरीके के सोशल बेनिफिट से दूसरा पार्टनर वंचित रह जाता है। इसके अलावा अगर आंध्र प्रदेश में रहकर आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आपके दांत सुंदर नहीं है, तो आप मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर नहीं बन सकते हैं। आंध्र प्रदेश की मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से अगर आपके दांतों में सड़ान है और आपके दांत दिखने में सुंदर नहीं है तो आप हो सकता है एलिजिबिलिटी टेस्ट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बनने के लिए पास ना कर पाए। अब मैंने आपको जितने भी लॉज बताए वो सुनने में बड़े ही वियर्ड स्टूपिड और कुछ कुछ फनी भी लग रहे हैं, लेकिन आज इंडिया में कजिन भाई या बहन के साथ शादी करना एक बहुत बड़ा टैबू है, लेकिन कुछ सोसाइटी में इसको एक्सेप्टेबल माना जाता है। अपने ही कजिन भाई या बहन से शादी करना इलीगल है, इम्प्रैक्टिकल है, इमोरल है, अनएथिकल है, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली एंड सोशली, इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं।